हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अगर आपका भी सीयूटी पीजी में स्कोर कम है तो स्टूडेंट्स हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का सीयूटी पीजी को पार्टिसिपेट करें और वो पीजी प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन सीयूटी पीजी में उनका स्कोर थोड़ा कम लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो उनको इस टाइप के इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है। ये हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी गढ़वाल की बात नहीं करा मैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कम स्कोर पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसका वीडियो हमने बना दिया है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सभी में आपको अप्लाई कर देना। इसमें अप्लाई कैसे करना है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां पे अप्लाई का ऑप्शन है, यहां पर स्टूडेंट्स आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। यहां पर एमएससी भी है, एमए भी है, और भी कई पीजी प्रोग्राम यहां पर अवेलेबल है स्टूडेंट्स। यहाँ पर वो स्टूडेंट्स अप्लाई करना है जिनका स्कोर थोड़ा कम है, जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, जिनको एच सी यू या पी यू मिल रहा है या फिर डी यू मिल रहा है या फिर उनको बी एच यू मिल रहा है या सेंट्रल टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल रही है, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर जिन स्टूडेंट का बहुत ही पास में है वो यहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर उत्तराखंड वाली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो आपका सीयूटी पीजी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके जरूर बताना, बहुत जल्द आपके लिए मैं एक लंबा लाइव सेशन अरेंज कर रहा हूँ।